15 days to go. यार डरा दी तू मुझे. 15 दिन बाकी बहुत टाइम है. तू जा यहाँ से. एग्जाम की भूतनी. पता है एक हफ्ता बाकी एग्जाम के लिए जा रही हूँ पढ़ने. Hey guys, so ये है एग्जाम रूटीन विद सम एग्जाम हैक्स. तो ये हैक्स आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन स्कूल दोनों के लिए अप्लाई करता है. So guys, don't forget to like, share and subscribe and let's begin with this video. यार पढ़ाई करने बैठ तो गई बट कहाँ से शुरू करूँ. कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या करूँ मैं पढ़ाई. ओ हो ड्रामा क्वीन. पहले तो तू काम डालना और फिर प्लानिंग से शुरुआत करना. कैसे. देख प्लानिंग में बेसिकली करना क्या है. पहले तू देख तेरे पास कितने चैप्टर्स एग्जाम के लिए. फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 40 चैप्टर्स है. फिर तू देख तेरे पास कितने दिन है. प्रोबेबली 2 वीक. तो 2 हफ्ते मतलब 14 दिन. 4 दिन ब्रेक के लिए निकाल दे सैटरडे संडे हॉलीडे एंड रिवीजन टाइम के लिए. तो तेरे पास 10 डेज है. अब उसको डिवाइड कर तो कितने दिन तेरे को पर डे 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे. तू चालू करना जिस सब्जेक्ट में तू सबसे ज्यादा वीक है और फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में जाना. मेरी बहन के पास थोड़ा सा दिमाग है. थोड़ा बहुत मैं तुझे तो काफी ज्यादा समझदार हूँ. चल अब निकल जहाँ से. मेरे को पढ़ाई करनी है. मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है. कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह. तेरे अलावा कोई हंसने ना मतलब तेरा जो क्लेम है. तू नहीं समझेगी मैं समझूं. निकल जा यहाँ से. चलो पहले मैं केमिस्ट्री ही पढ़ती हूँ. ओ गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज. अब जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं सबसे पहले उसका नाम एक बुक मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप सब जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उनका नाम लिखते हैं. तो उसमें लिख देने का एंड देन उसके बाद इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने चैप्टर्स बाकी है एंड कितना हो गया है. एंड इससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी फील हो कि मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए आज. और आखिरकार हैप्पीनेस इज अबाउट लिटिल थिंग्स. वैसे गाइस ये तो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ एंड मैं कहूँगी कि आप भी फॉलो करो. पागल हो गई है क्या. दीवार को क्यों खोल रही है सुबह से. लगता है इसके अंदर भूत घुस गया. निकालना पड़ेगा. ए भूतनी निकल जा इससे. भूत निकल जा वो यूज़लेस है. तेरे को कुछ काम नहीं. निकल जा उससे. अरे निकाल उसे. निकाल भूत. निकाल. क्या कर रही है तू. तेरे अंदर से भूत निकाल रही हूँ. मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं है. तो सुबह उठ के पागल की तरह दीवार को क्यों घूरेगी. मैं अपना फॉर्मूला शीट पढ़ रही थी. मैं जाती हूँ फिर. उफ ये लड़की भी ना. लेकिन सबसे पहला हैक है फॉर्मूला शीट. तब आपको पता है ये इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो उनको लर्न करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए मेरा ये हैक है कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब एक शीट पे लिख डालना है एंड देन उसे अपनी आसपास की दीवार में चिपका देना है. तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे सबसे पहले उसे रिवाइज करने का. तो इससे आपको एग्जाम आने तक सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो जाएंगे. ये तो मैं हमेशा करती हूँ. वो अलग बात है कि अनु को लगता है कि मैं पजेस्ड हूँ बट ये हैक काफ़ी यूजफुल है. तो ज़रूर आप भी ट्राई करना. अरे अनु उठ जा. सो क्यों रही है. हा? मुझे खुद ही हैक्स बताती है और सो जाती है. अरे यार क्या करूं बुक की शक्ल देख के ही नींद आ जाती है. यार तुझे मैंने कितने हैक्स दिए तू भी मुझे एक बताना. लकी फॉर यू मेरे पास इसके लिए एक हैक है. देख मैं अपने स्टडी प्लेस पे ड्राई फ्रूट जार यूज करती हूँ. तो जब भी मुझे नींद आती है मैं सच्चे माने लग जाती हूँ. तो नींद भी उठ जाती है और हेल्दी भी रहता है. हाँ यार ये तो सही है. दे देना मुझे ड्राई फ्रूट जार. कहाँ से तू खुद अपना बना खुद. और वैसे अगर तुझे ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो तू
फ्रूट भी खा सकती है जैसे कि एप्पल या वाटरमेलन, जो भी तुझे रिफ्रेशिंग लगे। हाँ, वाटरमेलन मेरे लिए काट के ला देना प्लीज। ए हट, खुद काट और खुद खा, मैं जा रही हूँ। लगता है मुझे ही खुद वाटरमेलन काटना होगा। और दोस्तों एक और पॉइंट है, बहुत लोग होते हैं मॉर्निंग बर्ड्स और बहुत लोग होते हैं नाइट आउल्स, तो जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करें उसी टाइम पढ़ना चाहिए। और हमें खुद को मेंटली भी ब्रेक देना चाहिए, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमें कुछ खुद को मतलब 10 मिनट्स 20 मिनट्स या 30 मिनट्स ब्रेक देना चाहिए। उसमें आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप चाहिए तो सनसेट में जाके बैठ सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जो भी आपको एकदम रिलैक्स कर दे, क्योंकि फिर जब आपको ब्रेक मिलेगा पढ़ाई और अच्छे से कर पाओगे। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, एग्जाम्स ने ओ, अब क्या हुआ यार, मेरे को बहुत चढ़ रहा है मैथ्स पढ़ के। तो कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करना। मतलब अब बता, तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस स्टडीज। और लीस्ट फेवरेट? मैथ्स। हाँ तो अभी तेरे को करना क्या है, तेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से पढ़ना चालू करना है। जब तू उसे पढ़ेगी तेरा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अब उसी हाई मोटिवेशन के साथ तेरा अपना लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना होगा मैथ्स, तो तू मजे से पढ़ पाएगी। अच्छा आइडिया है, अब से ना मैं यही टेक्निक यूज करूंगी। सो गाइस, कई लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं और कुछ लोग के चल रहे हैं, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, जिससे कि आप भी ये हैक्स को यूज कर सकें। हमें जरूर कमेंट करके बताना अगर आपको भी ये हैक्स काम आए, और ये भी बताना कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन है कि ऑनलाइन। सो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।